नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम मेडिकल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की, फिर वो चाहे आम लोग हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो न्यूली बिल्ट मेडिकल स्टूडेंट्स हों, ये सभी के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेडिकल लिटरेसी और होम्योपैथी की फील्ड में ज्ञान को लेके इजाफा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है ये एथलीट्स फुट के बारे में है। और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को दो तीन बार कमेंट आ चुके हैं कई लोगों के। ये बहुत फ्रिक्वेंटली एक कमेंट मुझे दिख रहा है, जैसे राहुल देमरी जी और एक दो और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार 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 ये स्पाम करा है कमेंट कि उनको एथलीट्स फुट के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं वही बना रहा हूँ और मैं इन सब सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ कि आपको शायद नहीं पता है, मैंने फंगल इन्फेक्शन के ऊपर या फिर रिंग वॉर्म के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है। और उस वीडियो के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन टॉपिक या रिंग वॉर्म के ऊपर था, उसके अंदर मैंने सभी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन कवर करने की कोशिश करी है। उसमें मैंने टीनिया कैपाइटिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया वेसिकुलर और टीनिया पेडिस के बारे में डिटेल में बताया है। और एथलीट्स फुट जो बीमारी है, दैट इज नथिंग एल्स बट द फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट, जिसको बोलते हैं टीनिया पेडिस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहता था कि भाई मैं इस पे ऑलरेडी डेडिकेटेड नहीं तो एक वीडियो बनाया है जिसमें ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर करा है, पर अब आप लोगों की डिमांड है तो फिर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ। ये कोई तो देखिए, आप समझिए टीनिया इन्फेक्शन क्या होता है। टीनिया जो होता है फंगल इन्फेक्शन के आगे प्रीफिक्स लगता है, ठीक है ना, प्रीफिक्स आगे टीनिया लगेगा और सफिक्स के अंदर वो इन्फेक्शन जिस जगह पे है तो उसके पीछे हम सफिक्स को लगाते हैं। जैसे कि टीनिया कैपाइटिस, तो टीनिया कैपाइटिस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प। कि जब ये हेड इतने हिस्से में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं टीनिया कैपाइटिस। जब हमारा ट्रंक, ट्रंक मतलब ये हमारी बॉडी के ऊपर जब फंगल इन्फेक्शन होता है, फिर वो चाहे बॉडी के ऊपर हो, चाहे अपर लिम्ब पे हो या लोअर लिम्ब पे, उसको हम बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। क्योंकि कॉर्पोरिस शब्द जो है ना, वो मेडिकली बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, शरीर को, मेन ट्रंक को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बॉडी के ऊपर होगा तो उसको कहेंगे टीनिया कॉर्पोरिस, जब हेड के ऊपर होगा तो टीनिया कैपाइटिस, जब वो प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर होगा मतलब आपके ग्रोइन रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में, प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होगा तो उसको हम कहते हैं टीनिया क्रूरिस, ठीक है ना, टीनिया क्रूरिस। और जब यही एक फंगल इन्फेक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है, सब टाइप होता है किसका, टीनिया कॉर्पोरिस के का जो सब टाइप है उसी के अंदर आता है टीनिया वेसिकुलर, ठीक है ना। और अब आखिरी बचा टीनिया पेडिस। तो टीनिया पेडिस, टीनिया मतलब फंगल, पेडिस मतलब पांव, पेडिस मतलब पांव, पांव या फुट। तो व्हेन एवर एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शन ऑफ एनी सॉर्ट इन द फुट, दैट इज व्हाट इज नोन एज द टीनिया पेडिस। टेक्निकली मतलब मेडिकली या क्लिनिकली इस कंडीशन को हम कहते हैं टीनिया पेडिस। और इसका हर एक प्रॉब्लम में से ज्यादातर प्रॉब्लम के निक नेम होते हैं, लोग अपने हिसाब से मतलब मेडिकली निक नेम रखते हैं। तो इस बीमारी का जो निक नेम है, दैट इज एथलीट्स फुट। तो टीनिया पेडिस इज इक्वल टू एथलीट्स फुट। अब इसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा है जो आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि टीनिया पेडिस को एथलीट्स फुट क्यों कहते हैं। एथलीट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो उनको कहते हैं एथलीट। ये हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, रनर्स हो गए और तमाम ऐसे फील्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स के जिसमें एथलीट्स होते हैं। अब ये जो एथलीट्स होते हैं, इनकी जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल एथलीट्स की, वो लगभग पूरे दिन चलती है क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही है ना, दे आर इन दिस प्रोफेशन, उनका ब्रेड एंड बटर इसी से चलता है। अब इस चक्कर में, इस प्रोफेशन को जिंदा रखने के चक्कर में, उनकी जो ट्रेनिंग रहती है वो हमेशा जूते और मोजों के साथ होती है, वो हमेशा जूते मोजे पहन के रखते हैं। तो वो सवेरे 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठने के बाद वो हो सकता है 11, 12, 1 बजे तक जब तक ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 8-9 घंटे जूते मोजे पहन के रखते हैं। और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से ये होता है कि
उनके पैर, अब क्योंकि देखिए फिजिकल एक्सर्ट कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो फिजिकली एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो पसीना आता है। और जो पैर होता है और पैर के पंजे होते हैं, वो मोजे और जूते के अंदर वो हमेशा नम बने रहते हैं, नम मतलब गीले। और जब भी कहीं नमी होती है, देखिए फंगस के ग्रोथ का सीजन कौन सा बताया गया है, बरसात। बरसात से मतलब डैम्प वेदर, कि जब आपने एक चीज गौर करी होगी कि जो डैम्प वेदर होता है, बरसाती मौसम होता है, उसमें अगर हम कोई अबेंडोंड कपड़े, मतलब अबेंडोंड मतलब ऐसे कपड़े जो कोई दरवाजे के पीछे टांग के हम भूल गए, ठीक है ना, जहां पे जिनका हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसके ऊपर क्या होता है, काली काली काई लगती है। तो कहने का मतलब फंगल इन्फेक्शन का एक डायरेक्ट रिलेशन है डैम्प और ह्यूमिड एनवायरनमेंट से, खासकर जिसमें गर्मी भी हो, गर्मी हॉट डैम्प एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। अब इनके पैर क्योंकि जूतों के अंदर मोजों के अंदर हमेशा से रहते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग करते रहते हैं, दैट इज वाई उनके पैरों की जो फैलिंजेस होती है, जो उंगलियां होती है, उसके बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और वही फंगल इन्फेक्शन इनको टीनिया पेडिस का पेशेंट बनाता है। और इसलिए इस बीमारी का जो निक नेम पड़ा है, दैट इज वॉट, दैट इज एथलीट्स फुट, ठीक है ना। तो ये हमने समझा कि व्हाट इज टीनिया पेडिस एंड व्हाट इज एथलीट्स फुट, और ये किन लोगों को होता है। पर जरूरी नहीं कि टीनिया पेडिस जो होगा वो सिर्फ इन्हीं लोगों को होगा। टीनिया पेडिस का जो दूसरा रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जांपल दिखता है कि एनी पर्सन हु इज इंडल्ट इन वाटर वर्क, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि पानी के संपर्क में नंगे पैर ज्यादा रहता है, तो उन लोगों के अंदर टीनिया पेडिस होने के चांसेस काफी फेयर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मेट्स, जो काम वाली बाइयां हम लोगों के घर में आती हैं, वो सुबह से शाम तक अगर मान लीजिए 10 घर में काम कर रही है, तो 10 घर में उसको दो बार आना पड़ता है, एक बार मॉर्निंग शिफ्ट में, एक बार इवनिंग शिफ्ट में। और वो जब बर्तन मांजती है तो वो बैठती है बाथरूम में या वॉश प्लेस पे, उसके पैर हमेशा गीले रहते हैं। मे भी वो कपड़े धोती होगी तो उसमें भी उसके पैर हमेशा गीले रहते हैं। तो ऐसे पर्संस जो कि वाटर के कॉन्टेक्ट में नंगे बेयर फुट रहते हैं, तो ये उनके अंदर भी होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो पैरों को ड्राई ज्यादा देर नहीं रख पाएगा, उसके पैर गीले रहेंगे, नम रहेंगे, या तो वो पसीने में नम रहे या तो वो वाटर के कॉन्टेक्ट में नम रहे, है ना। तो ऐसे लोगों के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट होता है, दैट मे बी ऑन द सोल, ये सोल के ऊपर हो सकता है, ये डॉर्सम सरफेस ऑफ फुट पे हो सकता है, ये बिल्कुल इंटरफेलिंजल स्पेस में हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा गूगल की स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, जहां पे मैं इसकी शॉर्ट में परिभाषा समझेंगे हम, और कुछ फोटोज, कुछ इसके पिक्चर्स देखेंगे, और उन पिक्चर्स को देख के हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा दिखता है, किस तरह का हो सकता है, और फिर हम सीधे इसके ट्रीटमेंट में आके वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं दूसरी स्क्रीन पे आ गया हूँ, उम्मीद है आप लोग सब देख पा रहे होंगे कि एथलीट्स फुट क्या है। एथलीट्स फुट या फिर टीनिया पेडिस, देखिए इसका नाम टीनिया पेडिस है, इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगेंस बिटवीन द टोस, ये जो टोस होती है ना, दो उंगलियां, जो पैरों की जो उंगलियां होती है उनके बीच में ये फंगल इन्फेक्शन चालू होता है। इट कॉमनली ऑकर्स इन द पीपल हूज फिट हैव बिकम वेरी स्वेटी वाइल कन्फाइंड विद इन द टाइट शूज, ठीक है ना। तो ये समझा ना आपको, यहाँ पे दिख गई डेफिनेशन, कि जिनके पैरों में पसीना आता है, जो बहुत लंबे समय तक जूते पहन के रखते हैं, उनके शूज जो उसमें कन्फाइंड रहते हैं, ऐसे लोगों को टीनिया पेडिस या फिर एथलीट्स फुट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आइए वापस से हम चलते हैं, अब हम कुछ डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं इसके। अब आप देखिए, ये देखिए एथलीट्स फुट की कई वेराइटीज हैं, इस टाइप से हो सकता है, देखिए है ना, ये एथलीट्स फुट है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, देखिए ये उंगलियों के बीच में कई बार कट लग जाते हैं, ये है तो फंगल इन्फेक्शन, पर इसके कई सारे वेरिएंट्स देखने को आते हैं लोगों में। ये मोस्ट कॉमनली इस रूप में दिखता है, ये इस रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना, ये सोल के ऊपर भी इस रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं, बट आप डिस्टिंक्टली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इट इज, है ना। ये आप देखिए, ये इस तरह से होता है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एथलीट्स फुट या फिर टीनिया पेडिस। अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट में इकलौती एक दवा है, सबसे इफेक्टिव है, तो इसके अलावा आपको दूसरी दवा देने की कतई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से टीनिया पेडिस का और एथलीट फुट का बीमारी से नाम रिलेट करा हमने, कि जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो जूते पहनते हैं, तो एथलीट्स फुट के रूप में इनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसी तरह से जो दवा मैं बताने जा रहा हूं,
इस दवा का नाम ही कहीं ना कहीं निकनेम भी इस बीमारी से रिलेट करता है। देखिए इसके लिए जो इकलौती मेडिसिन है, इकलौती इसलिए क्योंकि इसके अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ, तो वो है सीपिया। तो आपको सीपिया 30 देना है दिन भर में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, और कुछ हफ्ते तक आप इलाज करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कंसिक्यूटिवली सक्सेसिवली ये धीरे 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 जो आपका पेशेंट है वो बिल्कुल उसका जो टीनिया पेडिस है वो क्योर होने लगेगा। और इसका जो रिलेशन है इससे कि सीपिया का एक निकनेम है, ज्यादातर लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा मैं नहीं जानता, सीपिया का निकनेम है वॉशर वुमन्स रेमेडी। क्या है? वॉशर वुमन्स रेमेडी, जो धोबी होता है, धोबियों को भी होता है क्योंकि धोबी हमेशा धोबी घाट पे कपड़े धोते रहते हैं, है ना, उनका पैर जो है पानी के अंदर ही रहता है तो उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो सीपिया है दैट इज द वॉशर वुमन्स रेमेडी बताया है। और वॉशर वुमन्स रेमेडी क्यों बोलते हैं कि सीपिया के अंदर ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये अच्छे से बताया गया है, और ये फंगल इन्फेक्शन पैरों का डैम्पनेस और वेटनेस के अंदर रहने की वजह से बताया गया है। उसके अलावा देयर आर मोर एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम जो सीपिया लेडी या सीपिया के पेशेंट को होती है ड्यू टू एक्सेसिव इंडल्जेंस इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। दैट इज व्हाई इस पूरी की पूरी प्रॉब्लमों को जब नरेट करते वक्त एक हेडिंग दिया गया है और सीपिया को वहीं से उसका निकनेम मिला, वॉशर वुमन्स रेमेडी। ओके, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो टीनिया पेडिस या फिर एथलीट्स फुट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपके काम आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।